हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, और आज की अपडेट जानकर के आप बेहद खुश होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक ऐसे स्कीम की शुरुआत की है जिसका फ़ायदा दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला है। क्या है ये स्कीम, कैसे मिलेगा आपको इसका फ़ायदा, कौन कौन से बच्चों को मिलेगा, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या आपको करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आपको एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट मिलती है, सारे स्कीम की जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सारी जानकारी आपके पास टाइम से मिलती रहे। तो काफ़ी सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो किताबें नहीं खरीद पाते हैं, कॉपियाँ नहीं खरीद पाते हैं, तो यहाँ पर इस स्कीम का उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक नए स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत हर बच्चे को हज़ार हज़ार रुपये प्रत्येक साल मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसके लिए आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला होना चाहिए, यानी कि आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है, आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम साल में 2 लाख या इससे कम होनी चाहिए। तो 2 लाख से अगर आपकी कम है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो क्राइटेरिया है, आप 9th से लेकर के 12th क्लास तक में पढ़ रहे हो, क्योंकि 8th क्लास तक तो वैसे सारी चीज़ें फ्री है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को, लेकिन 9th से लेकर के 12th क्लास तक बच्चों को किताबें खरीदनी पड़ती हैं, कॉपियाँ खरीदनी पड़ती हैं, तो हज़ार हज़ार रुपये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगला जो क्राइटेरिया है वो है, आप माइनॉरिटी में हो, यानी कि आप मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारी क्राइटेरिया, सारी जो क्राइटेरिया है, अगर आप फुलफिल करते तो आपके अकाउंट में सीधा 1000 रुपये आने वाले हैं। यहाँ पर मुझे इस स्कीम की एक कमी लगी कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, क्योंकि कंडीशन किसी भी बच्चे की ख़राब हो सकती है। अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो क्या उनके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो ये स्कीम है ये सिर्फ माइनॉरिटी और बुद्धिस्ट बच्चों के लिए है, जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, गलत सा लगा, क्योंकि ये जो स्कीम है वो जाति पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक फाइनेंशियल इनके आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। नई अपडेट के साथ नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।